हेलो गाइस, अभी इस टाइम मैं आया हूँ लखनऊ में, और ये लखनऊ का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सीतापुर। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के जो मतलब गांव के लोग हैं और किस तरीके से लोग अपने खेत खलियान में अपना काम करते हैं और कैसे कैसे रोड है यहाँ पे, वो मैं आपको सब दिखाता हूँ अपने एक ब्लॉग में। आप लोग देखना कि अभी जिस तरीके से हम लोग निकलेंगे रास्ते में, सभी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं। और ये यहाँ का आपका पूरा व्यूज और जो पूरा मार्केट एरिया है और जैसे यहाँ के जो गांव हैं, अभी मतलब इसको गांव नहीं बोलेंगे, एक शहर बन चुका है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे ये गांव है, इस गांव को आप देखना कि कितने अच्छे अच्छे गांव बना लिए आज की डेट में। जो पहले गांव होते थे, हम लोग देखते थे कि गांव होते थे, उस टाइप के गांव नहीं है अभी। जो गांव को आप शहर मान के चलिए, तो अभी चलते हैं, आपको हम एक छोटा सा ब्लॉग दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ की हरियाली और अपना गांव और रोडे, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं सीतापुर में हूँ और ये लखनऊ से 70 किलो या 80 किलोमीटर पहले ये शहर पड़ता है जिसका नाम है सीतापुर सिटी। तो चलते हैं हम लोग गाइस, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक गांव में आया हूँ, इस गांव का नाम है अचनिया, और मेरे पीछे देख रहे हैं ना कितने छोटे छोटे से घर हैं और कितने प्यारे प्यारे घर हैं। ये यहाँ के
थोड़ा सा कैमरे को मैं बोलूँगा तो छोटे छोटे से घर बना रखे हैं और ये गांव का सारा है। शहर से आपको दिखाया हमने कि गांव में कैसे मतलब आज भी छोटे छोटे घर बने हुए हैं, क्योंकि बचपन में हमने सुना था कि गांव में बहुत छोटे छोटे से घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे घर के पीछे ये सारा मतलब छोटे छोटे से गाँव और ये छोटे छोटे से रोडे हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक बार बोलूँगा कैमरामैन को एक बार दिखाने के लिए, एक बार आप इनको दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ का माहौल है और कैसे यहाँ पे आज भी लोग साइकिलों से और उन सब चीज़ों से निकलते हैं। तो मैं इसी तरीके से आपको आगे और भी लेके चलता हूँ और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाता हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको आगे का जो और न्यूज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ के कुछ गांव के लोग भी थे जिनसे मैंने बात की और यहाँ के बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी की, जैसे काम काज किस तरीके से लोग करते हैं, क्या करते हैं, खेत खलिहान में कैसे, क्योंकि देखिए शहर के लोगों में और गांव के लोगों में बहुत फर्क होता है। जो गांव की ज़िंदगी है, जो गांव की खुशहाली और जो यहाँ के आबो हवा है वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए यहाँ के लोगों से मैंने कुछ बात की यहाँ की चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए। तो मेरे साथ में अभी जो हैं यही गांव के अछनिया के एक सदस्य हैं जो इनका नाम है, मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करता हूं। तो आप अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम शमशाद अली। तो मेरे साथ में शमशाद अली जी हैं जो इसी गांव अछनिया में रहते हैं, तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूं, वो बताएंगे कि यहां का क्या कैसे किस तरीके से सभी चीज़ें मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूं। तो शमशाद जी आप मुझे बताइए यहां पे किस तरीके से मतलब कारोबार है, लोग काम कैसे करते हैं, क्या है यहाँ? खेती और काश्तकारी का काम होता है। अच्छा, छोटे छोटे किसान हैं जी, अपने ट्रैक्टर या गोई से जो है खेती करते हैं जी, उसी से फसल पैदा करते हैं जी, उसी से अपना जो है बच्चों का पालन पोषण किया जाता है जी जी। तो अभी शमशाद जी ने जैसे बताया कि यहाँ पे जिस तरीके से लोग काम करते हैं, मतलब जैसे मैंने देखा है कि शहरों में जो है वो यहाँ पे भी है उस तरीके से या अलग है कुछ? नहीं, गांव और शहर से बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा, शहर की सुविधाएं अलग हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा शमशाद जी से कि वो क्या करते हैं जब अपना घर परिवार चलाने के लिए, वो किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो आप बताइए क्या आपका काम क्या है, आप क्या काम करते हैं? हमारा काम मजदूरी का है, काश्तकारी का है। अच्छा, और क्या काम करते हैं आप? यही काम है। तो दोस्तों अभी जैसे शमशाद अली जी ने बताया कि वो यहाँ पे अपना रहते हैं और अपना काश्तकारी वगैरह करते हैं, घर परिवार चलाने के लिए अपना छोटा मोटा काम भी करते रहते हैं और साथ साथ इनके कुछ और भी काम हैं जो वो शायद अभी कर भी रहे हैं, तो अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ के जो पब्लिक है उनका रिव्यू अच्छा है गाँव के बारे में बोलने का, और गाँव में काफ़ी चीज़ें हैं जिस तरीके से मैं आज आप लोगों के पास ये वीडियो लेके आया हूँ, आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई मैंने यहाँ का सारी चीज़ें जो वो आप सभी लोग इस वीडियो में ज़रूर देखना। तो दोस्तों आप लोगों ने आज देखा कि मैंने आपको सीतापुर से एक शहर से शुरुआत की थी और गांव की तरफ आप लोगों को ले गया, दिखाया आपको मैंने कि छोटे छोटे गांव आज भी कुछ ऐसी जगहों पे हैं जहां पे गांव बने हुए हैं, छोटे छोटे कच्चे कच्चे मकान जो थे वो आज अलग तब्दील हो चुके हैं, मतलब पक्के मकान बन चुके हैं, तो अब वो गाँव गाँव नहीं रहे। तो आप लोगों को मैंने दिखाया कि यहाँ की जो रोडें हैं और अपना जिस तरीके से यहाँ घर बने हुए हैं, छोटे छोटे खेत खलिहान वगैरह सभी कुछ आपको दिखाया। तो हमने शुरुआत की थी ये अपना सीतापुर से निकल के हम जो आए हैं अभी इस टाइम, ये लखीमपुर के पास में पड़ता है अछनिया, तो मैं अभी इस टाइम वहीं पे खड़ा हूँ और मेरे साथ में वो शख्स हैं जिन्होंने आज मुझे इस सारी जगहों पे घुमाया और गांव के और इस सब चीज़ों को दिखाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान मेरा रहा है। तो मुझे जो उन्होंने अभी सारी चीज़ें दिखाई और भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे यूपी के अंदर ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं और धार्मिक स्थल भी हैं, तो मैं उन्हीं से एक बार आपको परिचय कराता हूँ दोस्तों। तो वो यहीं के रहने वाले हैं और उनका नाम है राजू, और उनका यहाँ पे बेसिकली दो काम है, एक उनका क्या है कि लोकेशन वगैरह पे भी वो लेके जाते हैं और दूसरा उनकी एक दुकान है यहाँ अपना सीता स्टार अपना सैलून के नाम से इनकी एक दुकान है,
जो गिरिराज चौराहे पे है सीतापुर में। तो ये सीतापुर पड़ता है लखनऊ से 70 किलोमीटर पहले, ये वहाँ का है। वहाँ से हमने जर्नी शुरुआत की थी और लास्ट हमने जो किया है अभी जस्ट लखीमपुर से पहले, ये 23 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है अछनिया। तो मैं अभी वहीं खड़ा हूँ, तो मेरे साथ में जो है राजू, मैं आपको एक बार उनसे रूबरू कराता हूँ और उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें अच्छी अच्छी हैं जो वो बता सकें, जिससे कि मैं आप लोगों के बीच में लेके आऊँ फिर दोबारा वो सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को उनसे रूबरू कराता हूँ। मेरे साथ में है ये राजू, मैं पूछना चाहूँगा राजू से। राजू आप मुझे बताइए, जैसे आपने मुझे सारी चीज़ें घुमाया है अभी जी, तो यहाँ पे और अच्छे अच्छे क्या क्या स्थल हैं, जैसे कि मैं अगर अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंड को मैं बताना चाहूँ, जो मेरे फ्रेंड हैं यूट्यूब के, उन सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे आप बताइए राजू जी, कहाँ कहाँ पे हम लोग जा सकते हैं यूपी? सीतापुर से 31 किलोमीटर दूरी पे नैमिष धाम है वहाँ। ओके अच्छा, उसके बाद जैसे अभी आपने मुझे दिखाया कि जिस तरीके से यहाँ के रोड कच्चे हैं और जो पकान मक्के हैं, अगर मैं धार्मिक स्थल की बात करूँ तो धार्मिक स्थल जैसे यूपी में कहाँ कहाँ पे हैं? करन्नाथ ओके और नैमिष धाम ओके, बाकी दरगाह वरगाह है यहाँ पे खैराबाद में। जी जी, खैराबाद शरीफ है। जी जी, तो अभी जैसे राजू ने बताया कि यहाँ पे धार्मिक स्थल भी हैं और गोला गोकर्णनाथ यहाँ पे एक बड़ा शहर है, तो वहाँ के बारे में इन्होंने बताया है। और यहाँ पे जो खैराबाद है, खैराबाद में काफ़ी की जगह है, वहाँ पे लोग जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत से लोगों को पता भी है वहाँ के बारे में। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर जैसे कभी यूपी आते हैं तो आप लोग खैराबाद वगैरह जाइए, और यहाँ यूपी में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत धार्मिक स्थल हैं जहाँ आप लोग घूम सकते हैं। भी हमारी बात हुई है राजू से और राजू ने भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर जैसे आप लोगों को आना है या कभी घूमना है तो आप राजू से कांटेक्ट करें। राजू की दुकान है गिरिराज चौराहे पे सीतापुर में, इनकी स्टार अपना सैलून के नाम से इनकी दुकान है और ये यहाँ से काफ़ी जगहों से परिचित हैं, अच्छी तरीके से हर चीज़ों के जगह के बारे में ये जानते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजू, आपने सारी चीज़ें हमें दिखाई, हमारे दोस्तों को दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरीके से मैं आप लोगों के बीच में नई नई वीडियोस ले लेके आता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।